to share some amazing concept about how to introduce yourself. So basically, whenever you need to introduce yourself, so there are some topics, some points you follow. So I hope you would like enjoy and teach with it. So first of all, I would like to share about this some points of about introduction. There are some points which include in introduction are your name, your age, your place, your education, your profession, your hobby, your aim, and your family detail. कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, सो इट इज नेसेसरी टू इंट्रोड्यूस करेक्टली योर सेल्फ, कॉन्फिडेंटली योर सेल्फ, एंड इट इज द बेस्ट मेथड टू गिव इंप्रेशन अबाउट योर सेल्फ इन फ्रंट ऑफ एनीवन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू शेयर हाउ टू इंट्रोड्यूस योर नेम विद एज एंड योर लोकेशन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इफ आई टॉक अबाउट नेम, पहले हम क्या करते थे, पहले हम जस्ट ये बोलते थे कि अगर कोई बोलता था कि आपका नाम क्या है, ओके, सो हम जस्ट ये बोलते थे कि माई नेम इज सोहन, माई नेम इज मोहन एंड ऑल दैट. सो अब हम स्टैंडर्ड तरीके से अगर हम सोचे कि हमारा जो न्यू टर्न आया है इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें इंट्रोडक्शन की, सो अब हम क्या बोलते हैं, माई नेम इज मोहन सोहन, इसके अलावा हम क्या करते हैं एक नए तरीके से अपने नाम को इंट्रोड्यूस करते हैं, हम जस्ट बोलते हैं कि आई एम सोहन, आई एम मोहन, ओके. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे बात करना चाहूँगा इसको हम क्या कहते हैं. बहुत से लोग इसको गलत प्रोनाउंशिएट करते हैं, इसको बोलते हैं आई, ये आई नहीं होता है, इसको प्रोनाउंशिएट किया जाता है आई, आई, ओके. आई होता है आंख, सो इसको आई नहीं पढ़ेंगे, इसको प्रोनाउंशिएट करते हैं आई, ओके. सो आई एम मुकेश, गॉट इट. इसको और फ्रिक्वेंटली बोलने के लिए हम क्या करेंगे, हम इन दोनों वर्ड्स को कनेक्ट कर देते हैं आपस में, ये जब वर्ड कनेक्ट होता है तो ये बन जाता है, इसको प्रोनाउंसिएट करते हैं आम, ओके. सो व्हाट्स योर नेम, आम मुकेश, आम सोहन, आम मोहन, ओके. सो आम मुकेश, गॉट इट. नाउ अबाउट योर एज, सो पहले हम क्या करते थे, पहले हम बोलते थे कि आई एम 16 ईयर्स ओल्ड, आई एम 18 ईयर्स ओल्ड, ओके. सो नाउ इट इज कन्वर्टेड टू जस्ट आई एम 18 और आई एम 19 और आई एम 12, ओके. Now your place, okay. So it is necessary to define your location. Some demerits, some merits about your location. Why you choose your locality, where you resident, okay. So it is your place is. हम पहले बोलते हैं कि I live in Rahul Garden, I live in Premnagar, I live in Uttaranchal Colony, okay. So इसको अब हमने कन्वर्ट करा है, आई एम फ्रॉम राहुल गार्डन, आई एम फ्रॉम राहुल गार्डन, ओके. सो देयर इज नीड टू डिलीवर सम पॉइंट्स अबाउट योर रेजिडेंशियल एरिया. सो आई एम फ्रॉम राहुल गार्डन एंड माय एरिया इज वेल प्रोटेक्टेड, well protected area, and there are
all facility available, including ₹24 electricity, available and purified water supply. There is good service of police for late night protection. Okay, so it is about area. I am from Rahul Garden and my area is well protected area, and there are all facility available in my area, including 24 hours electricity available and purified water supply. Okay, so there is good service of police for late night protection. Now it's turn about your education. Some people say pronounce it education. Okay, education or education, both are correct. So about your education, so if you are a student, so giving about your education profile. Okay, so हम पहले बोलते थे कि आई रीड इन फोर्थ क्लास, आई रीड इन एट्थ क्लास, आई रीड इन टेंथ क्लास और ट्वेल्थ क्लास. सो इट्स कन्वर्ट इन टू आई एम इन ट्वेल्थ स्टैंडर्ड. ओके, आई एम इन ट्वेल्थ स्टैंडर्ड. इसके साथ में और इसको अपना सेंटेंस को एलेबोरेट करेंगे. सो आई एम लुकिंग या आई वॉन्ट टू बी अ I want to be a successful person in my life. Okay, so now it's turn about your profession. Why is it need? Because if you are not a student, so if you are suppose you are a teacher or any other, so क्या होगा, हम क्या करेंगे इसमें, अपना जो आपकी एजुकेशन है जो पास हो चुकी है, मान लिया आपने अपने ग्रेजुएशन पास कर लिया. सो आई डिड माई ग्रेजुएशन इन 2020 और आई पास्ड माई ग्रेजुएशन इन 2020 और 2021. ओके, सो नाउ इट्स योर प्रोफेशन, वेयर आर यू लोकेटेड. ओके, सो वाट इज योर जॉब प्रोफाइल. सो इफ़ यू आर अ टीचर, सो यहाँ पे लिखेंगे आई एम अ टीचर. इफ़ यू आर अ डांसर, सो आई एम अ डांसर. बट इफ यू आर इन ट्वेल्थ स्टैंडर्ड, सो यू आर अ स्टूडेंट, सो आई एम अ स्टूडेंट. ओके, आई एम अ स्टूडेंट. नाउ इट्स टर्न अबाउट योर हॉबी. बिफोर दिस आई वुड लाइक टू शेयर अबाउट योर एम. सो If I talk about your aim, इसको इस तरह से बताएंगे, my aim is to be a, my aim is to be a doctor. Okay, मतलब मेरा जो aim है वो doctor होने का है या बनने का है. Got it my point? So my aim is to be a doctor. So my aim is to be a doctor. To be a means बनना या होना. Okay, so my aim is to be a doctor. Now
इट इज़ नेसेसरी टू इनकॉर्पोरेट अबाउट व्हाट्स योर ड्रीम. सो व्हाट योर ड्रीम प्रोफाइल. अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो थोड़ा सा डिस्कशन अबाउट डॉक्टर के बारे में करेंगे. अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हैं तो समथिंग रिलेटेड टू थ्री पॉइंट्स आप इंजीनियरिंग के बारे में देंगे. ओके, सो माई एम इज टू बी अ डॉक्टर. नाउ डॉक्टर इज अ रिस्पेक्टेबल जॉब विच इज जो कि रिलेटेड है, विच इज रिलेटेड टू हेल्थ केयर प्रोफेशन. हर एक जॉब किसी ना किसी प्रोफेशन से रिलेटेड होती है. सो डॉक्टर क्या है? एक हेल्थ केयर प्रोफेशन से रिलेटेड जॉब है. ओके, सो द ड्यूटीज ऑफ डॉक्टर इज क्या क्या ड्यूटीज होती है डॉक्टर की? टू ट्रीट द पेशेंट और केयर द पेशेंट. ओके, सो टू ट्रीट द डिजीज, डिजीज बोलते हैं बीमारियों को, एंड केयर ऑफ पेशेंट्स. इन हॉस्पिटल्स ओके, सो नाउ इट्स टर्न अबाउट योर हॉबी. Something which you like, okay, it's your hobby. So in hobby you just says that I like to listening to music कोई भी एक्शन आप कर रहे हैं, लिसनिंग है, स्पीकिंग है, या रीडिंग है, या ईटिंग है, या राइडिंग है, या विजिटिंग है, तो उसमें हम आईएनजी का यूज़ ज़रूर करेंगे. ओके, लिसनिंग टू म्यूज़िक, विजिटिंग टू डिफरेंट प्लेसेस, ईटिंग समथिंग डिफरेंट डिजर्ट्स. ओके, या टेकिंग कोल्ड डिजर्ट्स. ओके, रीडिंग डिफरेंट टाइप ऑफ नॉवल्स, मैगजीन्स. ओके, सो आई लाइक टू लिसनिंग टू म्यूज़िक. ओके, सो देयर आर नीड टू गिविंग रीज़न. ओके, so I like to listening to music. Which type of music? All type of music. So I like all types of music. Okay, my favorite singer is नेहा कक्कर, या जो भी आपका फेवरेट है. ओके, सो नाउ इट्स टर्न अबाउट योर फैमिली डिटेल्स. बिफोर दिस यू कैन ऑल्सो इनकॉर्पोरेट अबाउट योर फेवरेट. सो फेवरेट मे बी योर फेवरेट कलर, योर फेवरेट मूवी, योर फेवरेट सिंगर, योर फेवरेट प्लेस, एनीथिंग विच इज योर फेवरेट. ओके, सो फॉर एग्जाम्पल my favorite color is red. Okay, so why your favorite color is red? Because red color is symbol of love and care. Okay, if I talk about my favorite color is white, so why white color is your favorite? Because it is symbol of patience, shanti ka pratik hota hai. Okay, now it's turn about your family detail.
अगर आप कहीं जॉब के लिए इंट्रोडक्शन देने जा रहे हैं ऑफिशियली है, तो वहाँ पे फैमिली डिटेल में जस्ट योर फादर एंड मदर, नथिंग मोर. ओके, सो अबाउट योर फादर, सो माई फादर नेम इज़ और माई फादर इज़ जस्ट, सो माई फादर नेम इज़ मिस्टर, जो भी आपके फादर का नाम है. ओके, सो फादर्स का ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन बोलते हैं व्यवसाय को. सो माई फादर इज़ अ बिजनेसमैन. ओके, ही इज वेरी एसिडस पर्सन. ओके, एसिडस बोलते मतलब मेहनती को. ही इज वेरी एसिडस पर्सन एंड ऑनेस्ट. ओके, ही इज माई आइडियल पर्सन. हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई उसका आइडियल होता है. सो इफ योर आइडियल पर्सन इज योर फादर, सो यू कैन ऑल्सो इनकॉर्पोरेट इन दिस लाइन दैट ही इज माई आइडियल पर्सन. ओके, बिकॉज ही इज ऑलवेज सपोर्ट मी इन एवरी सिचुएशन. ओके, नाउ योर मदर्स नेम. सो माई मदर इज मिसेज. ओके, सी इज हाउस वाइफ एंड सी ऑल्सो बिल्डअप माई कॉन्फिडेंस लेवल. एंड ऑल्सो टीच मी गुड एंड बैड थिंग्स. थैंक यू सो मच. इट्स योर इंट्रोडक्शन. सो इट इज नेसेसरी टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ. हम क्या करते हैं बचपन से, हमने पढ़ा है, ठीक है, पढ़ लिया. हम पढ़ते क्यों हैं भाई, हमें कोई भी जॉब टारगेट अचीव करना है. ओके, सो उसको अचीव करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन तैयार करना पड़ेगा. क्योंकि किसी भी जॉब प्रोफाइल को अचीव करने के लिए आपको एक मेन गेट से गुजरना पड़ेगा, और उस मेन गेट का नाम है इंटरव्यू. ओके, सो इस मेन गेट से आपको उतरना पड़ेगा. जब आप बचपन से सीढ़ी चढ़ रहे हैं, ठीक है ना, अब आप यहाँ से यहाँ तक आपकी एजुकेशन कंप्लीट हो चुकी है, अब आपको ज़रूरत है एक जॉब की. ओके, या कोई टारगेट आपने जो सोच रखा है. यू नो वेरी वेल कि आजकल कोई भी टारगेट अचीव करना इतना आसान नहीं है. सबसे पहले हर हमारे जो भी एजुकेशन प्रोफाइल है, इसके अंदर में क्या है, स्टैंडर्ड है. हर पास आउट किसी भी जॉब को अचीव करने के लिए बहुत सारे स्टैंडर्ड होते हैं, लाइक रिटन एग्जाम होता है. ओके, इंट्रोडक्शन होता है. सो देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ स्टेप्स टू अचीव एनी टारगेट. सो इंट्रोडक्शन इज द मेन पार्ट. ओके, इंट्रोडक्शन इज योर मेन पार्ट. सो आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने आप को कॉन्फिडेंटली तैयार करना है कि अगर आप अपने इंट्रोडक्शन देने जा रहे हैं, तो सामने वाले बंदे को ये करना चाहिए कि आपको बहुत कुछ आता है. ओके, सामने वाला बंदा आपसे ये नहीं पूछेगा कि आपने कितने रजिस्टर्स भरे हैं, या आपने कितने ऐसे लेटर एप्लीकेशन करे, या कितने तरह के सेंटेंस सीखे हैं. वो जस्ट सिंपल आपसे पूछेगा, हु आर यू, डिफाइन योर सेल्फ. सो एट दैट टाइम यू हैव टू डिसाइड कि आपने क्या सीखा. ओके, सो उस चीज़ को अचीव करने के लिए आपको पहले से वेल प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा. क्योंकि ये एक ऐसा गेट है, इससे हर किसी को पास होना पड़ेगा, और तभी वो आप अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं. ओके, इट इज़ नेसेसरी बिल्डअप योर कॉन्फिडेंस लेवल. ओके, किसी भी चीज़ को अचीव करने से पहले आपका कॉन्फिडेंट होना बहुत ज़रूरी है. सो इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को देता हूँ विराम. थैंक यू सो मच. सो आपने इस वीडियो को बहुत इन्जॉय किया होगा. थैंक यू सो मच.